हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएड फोर सेमेस्टर की सीरीज चल रही है, बीडी 204 की। तो देखते हैं यहाँ पे, इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो डाल दिए हैं, उन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भाधान से मृत्यु तक मानव प्राणियों के विकास का अध्ययन होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हर्लॉक का। मास्लो ने मानव की पांच प्रकार की आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मास्लो ने मानव की पांच प्रकार की आवश्यकताओं को पांच ही भागों में बांटा है। राइट आंसर है डी। मास्लो के अनुसार व्यक्ति के लिए सबसे प्रबल आवश्यकता कौन सी होती है? राइट आंसर है दैहिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के पदानुक्रमिक मॉडल में सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है सुरक्षा आवश्यकता, आत्मसिद्धि आवश्यकता, प्रेम एवं स्नेह आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो राइट आंसर है आत्मसिद्धि आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो ने विकास के संबंध में मानवतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1850 में, 1930 में, 1960 में, 1985 में। राइट आंसर है 1960 में। मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञान मानते हैं कि बालक का व्यवहार संबंधी परिवर्तन विकसित होते हैं उसकी मूल प्रवृत्ति के कारण, उसके जन्मजात प्रेरक के कारण, या ये दोनों ही यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर है सी, ये दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव अधिकांश व्यवहार किस कारक के प्रभाव से सीखता है? दबाव से सीखता है, वंशक्रम कारकों से सीखता है, वातावरण संबंधी कारकों से सीखता है, या आवश्यकता से? तो राइट आंसर है वातावरण से, क्योंकि बालक जो भी व्यवहार सीखता है वो अपने आसपास के माहौल को देख करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ थ्योरी किस दृष्टिकोण को कहा जाता है? विचारात्मक दृष्टिकोण को, परंपरागत दृष्टिकोण को, मानवतावादी दृष्टिकोण को, या आधुनिक दृष्टिकोण को? सेल्फ थ्योरी मानवतावादी दृष्टिकोण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में महत्व दिया है व्यक्तिगत अभिवृद्धि का, व्यक्तित्व के मूल्यों का, आत्मनिर्देशन की क्षमता का, या इन सभी का? तो राइट आंसर है इन सभी का। मास्लो का मानना है कि व्यक्ति केंद्र होता है अनेक मानसिक शक्तियों का, मानसिक क्षमताओं का, या ये दोनों? एक बात आपको याद रखनी है, जैसे कि ए बी दोनों आते हैं तो 99% उसका आंसर ए बी दोनों होगा। और जैसे कि इन सभी में या इन सभी को इस टाइप का आता है तो 99% आंसर वही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मास्लो के अनुसार प्रत्येक बालक विकास क्रम में अपने अंदर विकसित कर लेता है स्वयं को पहचानने की क्षमता, आत्मबोध, या ए बी दोनों? तो राइट आंसर है ए बी दोनों। ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये भी दोनों, तो वही होगा उसका आंसर। मास्लो ने निचले स्तर की आवश्यकताओं में रखा है दैहिक आवश्यकताओं को, सुरक्षा की आवश्यकताओं को, या ए भी दोनों? तो राइट आंसर है ए भी दोनों। मास्लो के अनुसार सारी आवश्यकताएं किस स्तर की आवश्यकताएं हैं? निचले स्तर की, उच्च स्तर की, या ए भी दोनों? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, यानी कि मैंने बोला था 99% इसका आंसर ए भी दोनों होगा। बाई चांस कभी हो सकता है कि इसका आंसर ए या बी में से कोई एक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार उच्च स्तर की आवश्यकता है संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। मास्लो द्वारा वर्णित आवश्यकताओं के पदानुक्रमिक मॉडल में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, या आत्मसिद्धि की आवश्यकता? राइट आंसर है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता में नहीं थे, सम्मान की आवश्यकता, दूसरे व्यक्तियों से सम्मान पाने की आवश्यकता? राइट आंसर है ए भी दोनों। आत्मसम्मान की आवश्यकताओं में भावना सम्मिलित है, उत्तम क्षमता प्राप्त करने की इच्छा, आत्मविश्वास, उपलब्धि? राइट आंसर ये सभी। मास्लो के अनुसार व्यक्तिगत वर्धन, उपयुक्तता, स्वतंत्रता आदि की भावनाएं किस आवश्यकता से जुड़ी हैं? सारे आवश्यकताओं से, सुरक्षा की आवश्यकताओं से, संबद्धता स्नेह की आवश्यकताओं से, सम्मान की आवश्यकताओं से? राइट आंसर है सम्मान की आवश्यकताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार सम्मान पाने की आवश्यकताओं में शामिल है पहचान की इच्छा,
प्रशंसा की इच्छा, स्वीकृति की इच्छा, राइट आंसर ये सभी। मास्लो का मानना है कि सम्मान की आवश्यकताओं की संतुष्टि से व्यक्ति में गुण विकसित होते हैं, आत्मविश्वास की शक्ति की उपयुक्तता, राइट आंसर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो का मानना है कि जब व्यक्ति के आत्मसम्मान की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है तब व्यक्ति में गुण विकसित होता है, लाचार का, कमजोर का, हतोत्साहित, राइट आंसर ये सभी। ऐसा आप देख सकते हैं, ऐसा होता है, तो क्वेश्चन भी वहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के आत्मसम्मान की आवश्यकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, व्यक्ति की योग्यता पर, व्यक्ति की क्षमता पर, राइट आंसर है ये दोनों, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति आत्मसम्मान की आवश्यकता पूर्ति कर लेता है तब उसमें आवश्यकता उत्पन्न होती है, शारीरिक आवश्यकता, स्वच्छता की आवश्यकता, संबद्धता, स्नेह की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता, राइट आंसर आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकता तो पहुँचने के लिए आवश्यक है, आत्मसम्मान की आवश्यकता की पूर्ति, मेटा आवश्यकता की पूर्ति, ये भी दोनों, राइट आंसर ये भी दोनों, व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है, पूर्णता, द्विभाजन, उत्कर्ष, सजीवता, ये सभी, राइट आंसर ये सभी, व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है, सच्चाई, अच्छाई, सुंदरता, ये सभी, यानी कि ये सभी ही मेटा आवश्यकता है, व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है, अद्वितीय, अनिवार्यता, संपूर्णता, राइट आंसर ये सभी, व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है, न्याय, क्रम, सरलता, राइट आंसर ये सभी। कितने इजी क्वेश्चन है, ओनली एक बार पढ़ेंगे सभी लर्न हो जाएंगे। व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है विस्तृतता, प्रत्यनशीलता, विरोध प्रियता, राइट आंसर ये सभी। हाँ, ऐसा होता है कि एग्जाम में थोड़ा पेडागोजी टाइप के दे देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन पेडागोजी टाइप के हों, कुछ सटीक आंसर वाले भी होते हैं। व्यक्ति की मेटा आवश्यकता है विनोद प्रियता, आत्मपर्यायता, अर्थपूर्णता, राइट आंसर ये सभी। आत्मसिद्धि की आवश्यकता तब व्यक्ति नहीं पहुंच पाता क्योंकि यह सबसे कम प्रबल आवश्यकता है, अन्य आवश्यकताओं में यह आवश्यकता सरलता से दब जाती है, राइट आंसर ये भी दोनों, राइट आंसर। मास्लो के अनुसार मेटा आवश्यकताओं का कोई नहीं होता, विचार, दृष्टिकोण, पदानुक्रम, सिद्धांत, राइट आंसर पदानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो ने आत्मसिद्धि व्यक्ति के लक्षण बताए हैं, आत्मसिद्धि व्यक्ति यथार्थता उन्मुख होते हैं, यह व्यक्ति अपने आप को दूसरों और वातावरण की प्राकृतिक वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल वैसे ही करते हैं जिस रूप में वे होती हैं। थर्ड, आत्मसिद्धि व्यक्ति में सरलता, स्वाभाविकता और सहजता होती है, राइट आंसर है ये सभी, यहाँ पे राइट है। आत्म केंद्रित व्यक्तियों का व्यवहार होता है आत्म केंद्रित, समस्या केंद्रित, राइट आंसर दोनों, सॉरी यहाँ पे राइट आंसर है समस्या केंद्रित, यानी कि आत्म केंद्रित व्यक्तियों का व्यवहार कैसे होता है, समस्या केंद्रित। आत्मसिद्धि व्यक्ति आत्मसिद्धि व्यक्ति पसंद करते हैं स्वतंत्रता, स्वायत्तता दोनों ही। आत्मसिद्धि व्यक्ति होते हैं साहसी, स्वस्थ, निर्णायक, राइट आंसर सभी। आत्मसिद्धि व्यक्ति में पाई जाती है अलौकिक शक्ति, अनुभूतियाँ, मानवीयता का भाव, ये सभी, राइट आंसर ये सभी। आत्मसिद्धि व्यक्ति में अधिक मात्रा में होते हैं प्रजातांत्रिक मूल्य, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से घनिष्ठ संबंध, अभिव्रतियाँ, ये सभी, राइट आंसर ये सभी। मास्लो के अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकता व्यक्ति में तभी उत्पन्न होती है जब व्यक्ति आवश्यकताओं पूर्ति कर लेता है, राइट आंसर यहाँ पे आत्मसम्मान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसिद्धि व्यक्तियों में भ्रांति नहीं होती है साधन की, साध्य की, या ये दोनों, तो राइट आंसर है ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का नियम है, विकास बहुमुखी आयामी होता है, जीवन विस्तार के द्वारा निरंतर विकास होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास को प्रभावित करता है, राइट आंसर है ये सभी, यहाँ पे सही है। व्यक्ति के विकास का आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी, राइट आंसर ये सभी। अत्यंत तीव्र गति से विकास होता है गर्भाधान में, वयसंधि अवस्था में, या ये सभी, सॉरी ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं। तीव्र गति से विकास होता है शैशवावस्था में, किशोर अवस्था में, राइट आंसर दोनों में तीव्र गति से विकास होता है। सामाजिक संदर्भ में विकास को प्रभावित करने वाली संस्था है पास पड़ोस, धार्मिक संस्थाएं, अन्य सामाजिक संगठन, राइट आंसर सभी।
सामाजिक संदर्भ में विकास प्रभावित होता है जीवन स्तर से, जीवन दर्शन से, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं से, इन सभी से, राइट आंसर इन सभी से। विकास है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक मूल्यांकन करने वाली प्रक्रिया, एक पक्षीय प्रक्रिया। तो राइट आंसर है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास। शेष अवस्था में विकास की गति किस टाइप की होती है, तीव्र होती है, मंद होती है या बंद होती है? राइट आंसर है तीव्र होती है। बाल्यावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, बंद होती है, मंद होती है? राइट आंसर है मंद होती है। बाल्यावस्था में मंद होती है, शेष अवस्था में तीव्र होती है। गर्भाधान में विकास होता है अत्यंत तीव्र गति से, मंद गति से, तीव्र गति से या बहुत मंद गति से? राइट आंसर है अत्यंत तीव्र गति से। विकास का आयाम है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या ये सभी? राइट आंसर है ये सभी। वह संधि अवस्थाओं में विकास की गति किस टाइप की होती है, अत्यंत तीव्र होती है, तीव्र होती है या मंद होती है या बंद होती है? राइट आंसर है अत्यंत तीव्र होती है। इन इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना, इनको बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट प्रश्न, किशोर अवस्था में विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, मंद होती है, बंद होती है? राइट आंसर है तीव्र होती है किशोर अवस्था में। व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति, संवेदना, एकाग्रता तथा सोचने समझने क्षमता का विकास किस विकास के अंतर्गत आता है, मानसिक तथा बौद्धिक विकास? विकास के साथ ह्रास की गति कब प्रारंभ हो जाती है, प्रौढ़ावस्था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।